हमारी वैकेंसी आई हुई 9 महीने हो गए, अभी तक हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो। डिग्री का पेपर आउट हो सकता है, बड़ी वैकेंसी का हो सकता है, तो हमारा डिप्लोमा का क्यों नहीं? अनशन भैया भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम, या तो रिजेक्ट करो या रिजल्ट जारी करो। क्या कर रही है एसओ जी? दोनों को पेपर को रद्द करो जैसे डिग्री का किया है। एसओ जी जो जांच चल रही है उसको निष्पक्ष रूप से जल्दी जारी करके इस पेपर को रद्द करके इसकी नई तिथि जल्दी से जल्दी जारी की जाए। राजस्थान में बेरोजगारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, बेरोजगार हर जगह सड़कों पर हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनके साथ बड़ी संख्या में बेरोजगार यहां पर हैं। देख सकते हैं अलग अलग एग्जामों को लेकर सब अपने हाथों में पर्चियां लिए हुए हैं। कोई एसओजी जांच की मांग कर रहा है पेपर आउट होने पर, कोई विद्युत विभाग के लिए आया है, कोई लाइब्रेरियन परीक्षा रद्द कराने के लिए आया है, तो इस तरह से ईसीजी डिप्लोमा के लिए आया है। तो इस तरह से देखा जा सकता है किस तरह से जो बेरोजगार हैं सड़कों पर घूम रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मदद मांग रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो बेरोजगार हैं, पहले भी आपने आंदोलन किया था, अभी भी आपके साथ यहाँ खड़े हैं, क्या मामला सुलझ नहीं रहा है? देखो पहले पेपर लीक हो गया था तो डिग्री होल्डर्स का जांच की एसओजी ने, और पेपर लीक को एसओजी ने सही पाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो पेपर दोबारा हो रहा है और बोर्ड के अध्यक्ष जटावत को इस्तीफा देना पड़ा। अब यहाँ एक बड़ी आश्चर्यचकित बात यह है कि लाइब्रेरियन की परीक्षा हुई 2019 में, वो पेपर लीक हो गया, एक दो मछली पकड़ी लेकिन मगरमच्छ को नहीं पकड़ा गया। संदीप नेहरा नाम का व्यक्ति अभी तक गायब है और पुलिस ने उस पर इनाम घोषित कर रखा है, उसकी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी यहाँ पर जयपुर में है। सरकार से हमारी मांग है उसको जब्त किया जाए, अगर आपके हाथ में लिया रहा है, पहली तो मांग है उसको पकड़ा जाए ताकि वस्तुस्थिति सामने आए, और दूसरी मांग है कि उसकी प्रॉपर्टी जब्त किया है। अब एक बार पेपर लीक हो गया, वही पेपर जब 2020 में हुआ तो फिर दोबारा लीक हो गया। तो इन बच्चों की मांग ये है कि उस पेपर में जो एसओजी जांच कर रही है, जिसमें सिरोही साचौर के 50 अभ्यर्थी चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने स्वीकार किया कि पेपर लीक हुआ है, तो उस पेपर को तुरंत जांच करके एसओजी दोबारा पेपर कराए। बाकी ये सारा मांग पत्र जो है बेरोजगार करीबन इसमें मानो 20,000 बेरोजगारों का मुद्दा है जिनको सरकार जानबूझ के टाल रही है। हमारी मांग है कि ये सारी परीक्षा समय पर कराकर इनको नियुक्ति दी जाए। जिस तरह से बेरोजगार जयपुर में कई दिनों से यहाँ पड़े हुए हैं, कई बेरोजगार अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, लेकिन जो युवा खेल मंत्री हैं, रोजगार कौशल मंत्री हैं, वो पोलो खेलने में मशगूल हैं। देखो सरकार निरंकुश हो चुकी है, सरकार को इन बेरोजगारों की आश्वासन चुनाव आने से पहले खूब दिया था कि हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा, हम नौकरी देंगे, नौकरी भी नहीं मिल रही। आशा सहयोगिनी महीने भर यहाँ पर धरना देके निराश होके लौट गई, पटवारी यहाँ पर बैठे हैं, आपको पता है जूनियर लेक्चरर्स का जो स्कूल का है, महिलाएं बच्चियां छात्राएं बेरोजगार, कड़ाके की ठंड में जब 5 डिग्री का टेम्परेचर था वो टंकी पर रही है, मैंने उनके साथ धरना दिया है, लेकिन सरकार की निरंकुशता की पराकाष्ठा है, इसलिए बार बार ये बेरोजगार जवान सड़कों पर उतर रहे हैं और आज भी ये अपनी मांगों को लेकर आए। हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आपने समय पर कार्रवाई नहीं की तो बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी, फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, जिम्मेदारी सरकार की। अब क्यों लगता है कि सरकार इनसे बातचीत क्यों नहीं करती, बेरोजगार बैठे हुए हैं कई दिनों से? सरकार कहती है हमारा खजाना खाली हो गया, खजाना खाली हो गया। अब खजाना खाली तो क्यों हो गया वही जाने, लेकिन जब आपने भरोसा दिया था, जब आपने भरोसा दिया होगा तो सरकार अनेक तरह के बहाने बनाती है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर लीक होने की परंपरा राजस्थान में बन गई है, करीबन 6 तरह की पेपर यहाँ पर लीक हो चुके हैं और लाइब्रेरियन का दोबारा पेपर लीक हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े लोगों को गिरफ्तार करके जेल के शिक्षों में डाला जाए, नया रोजगार की तो हम इनसे आशा ही नहीं कर सकते, पर जो पेंडिंग भर्तियां हैं
उनको तुरंत भर्ती की जाए, ये सरकार से हमारी मांग है। राहुल गांधी ने चुनाव से पहले कहा था कि हमारा जो मुख्यमंत्री होगा 24 घंटे में से 18 घंटे के रोजगार देने के लिए काम करेगा। 24 घंटे में से 18 घंटे रोजगार देने की बात कह गए, उन्होंने ये कहा था हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे किसानों का। अब कितने 26 महीने हो गए, अब भी कर्जा माफ नहीं हुआ। इनको कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, इनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। जवानों को कहा था रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया। 24 घंटे वाले मुख्यमंत्री 18 घंटे रहेंगे। आज तक से मैं प्रार्थना करूंगा कि आज यहाँ 1000-2000 बच्चे तो आ रहे हैं, आप हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम दिला दो। आज नहीं मिले तो कल दिला दो, कल नहीं मिले तो परसों मिला दिला दो, परसों नहीं मिले तो 15 दिन बाद दिला दो, ताकि हम हमारी समस्या रख दें। हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर किसको 18 घंटे दे रहे, हमें तो पता नहीं। बीजेपी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अलावा बाकी जो नेता हैं वो इन बेरोजगारों के साथ क्यों नहीं सड़क पर दिखते हैं? नहीं नहीं, ब्लॉक्स में दिखते हैं। क्यों भाई ब्लॉक्स में? तहसील मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर। अब मैं एक तरह से ठाली हूँ, ठाली ठाली। अरे महिला टॉयलेट की बात यहाँ मत, वो तो कांग्रेस के महिला टॉयलेट वाले। मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूँ और मैंने जनता को कह रखा है कभी भी आओगे, आधी रात पर भी आओगे तो मैं आपकी सेवा को तैयार मिलूंगा। मेरा टीन हाउस का दरवाजा खुला हुआ है, ये आए मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं आना कार्य नहीं करता। राजस्थान के राजनीति के बाबा हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, लेकिन युवाओं के साथ इस तरह से सड़क पर संघर्ष करते हुए हमेशा दिख जाएंगे। रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर हमेशा से संघर्ष करते रहे, आज भी यहाँ पर बेरोजगारों की मांग को लेकर सड़क पर हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।